बहुत अच्छी कॉलोनी एक बन रही है। आदमियों को तो बहुत का देखा है, औरत को पहली बार देखा है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। माशाल्लाह बुजी, इन्होंने ना औरत को काम करते हुए पहली बार यहाँ पर देखा है। मर्द तो बहुत काम कर रहे हैं बाजी। वैसे बेच क्या रही है बाजी? तो सौदा लेना सौदा लेवा की दूजी तरफ साडे कोल सवाल करी जाने बाजी। वो मैं वैसे ही पूछ रही थी, मतलब कि मैं तो आपको एप्रिशिएट नहीं, गरीब हो के साडा मजाक तो ना उड़ाओ ना। असि गरीब हां, तुसी जिम्मेदार हो साडा मजाक। सौदा लेना सौदा लो सीधी तरह। अच्छा यहाँ पे बाकी तो मर्द ठहरे हुए हैं, मतलब कि मैं तो आपको एप्रिशिएट कर रही हूँ, मतलब कि मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। नहीं बाजी, बस कुछ हालात ऐसे गरीब बंदे हैं, नहीं घर हालात हो सकते, इस वजह मजबूरी तौर मैं आप बेचने पड़े। अच्छा मजबूरन बेचना पड़ता है, तो आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? बस जेड़ा भी आंदा पुछदा सवाल करदा फिर अच्छा नहीं लगता। भी सौदा लेना सीधी तरह सौदा लेना साडे कोलों। हाँ की तरीका है बंदा बच्चा नाल हुंदा पुछदे सवाल करदे आ फिर सौदा भी लैंदे फिर चले जांदे। अच्छा हाँ जी अबू जी, बहुत अच्छी बात की है बाजी ने, यकीन कीजिए मुझे बहुत ही एहसास हो रहा है कि मैं तो चलो इंटरव्यू, मेरे तो एक और मकसद है बाजी से बात करने का, लेकिन कहती है क्योंकि हमारे ना ऐसा ना मुआशरा ना ऐसे हालात है। मैं बाजी घर का काम कर नहीं सकती, मेरी बाजू आ है कि नहीं तो मैं कोठी का काम कर लेती। अच्छा। बस चावल बना के मियां यहां पे कौन लेता है? यहां पे कौन लेता है? बच्चे पार्क है के कोई विक्री हो जाती है फिर आ खड़े कोई राज मजदूर लंघ जाता फिर वो ले जाते हैं। यहां पे पार्क है ना, और यहां पे फिर ये कह रही है कि चिप्स वाले ठहरे हैं और दूसरे ठहरे हैं, उनका सौदा लेने आते हैं ना, तो फिर ये भी बिक जाता है। ये है क्या? मुझे दे चावल। कितने की प्लेट है बाजी? बस 50 रुपए, तीन चार चमचे दे देंगे। 50 रुपए के तीन चाहिए तो बड़े महंगे हैं। है भी आलू वाले? हाँ जी। अच्छा मुझे 50 रुपए के दे दो। ये डिस्पोजेबल प्लेट रखी हुई है? ये वाली प्लेट रखी हुई है बाजी। और बाजी फिर पानी नहीं आएगा ना धोने वास्ते? अच्छा हाँ जी, यहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं होता ना। ये फिर आप किस वक्त आती है बाजी बेचने के लिए? बच्चों ने स्कूलों ले आके उन्होंने घर छोड़ के फिर आनी है। बच्चे कोई कमान वाला नहीं है, हालात बहुत खराब कर दे। बच्चे चार बच्चे है मेरे, जेड़ा आंदा आधा घंटा सवाल करता फिर खांदा कुछ नहीं लेंदा कुछ नहीं चले जाते। इस वजह नहीं लेंदे हूं शाम होंगी पी है बच्चों के ट्यूशन का टाइम आ परेशानी है भी आ विके नहीं कर बच्चों की कापियां वगैरह लेनिया सी उधर बच्चों ये तजर्बा आपको वैसे ये कैसे ख्याल आया कि मैं ये बनाऊं? मैं बाजी आपदा काम भी नहीं करती। मैं बाजी आपदे बच्चे नु हक हलाल दा खवाना चाहंदी सी। माशाल्लाह मैं अपने बच्चों को हक हलाल दा खवाना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं? आप तो घर भीतर कहीं पास होगा। हां जी ऐसे मुसा करनी चाहिए कर। यहां से ये जो कॉलोनी है ना, मेन तो बड़ी अच्छी सी कॉलोनी बन जाती है, पीछे कच्चे के इलाके होते हैं वहां से आती है बाजी, तो ये आके यहां पे ये बेचती है। शाम को सारा दिन घर का काम बच्चों को देखती हैं, फिर शाम को यहाँ पे आती है। माशाल्लाह हम लोग इन्हें अभी अप्रिशिएट करते हैं। इन जैसी बहन में पढ़ सकती, बड़ी बेटी पंजवी पढ़ती पई है, उन्हें ट्यूशन की फीस पढ़ा दे रही है बच्चों को, ट्यूशन पढ़ानी पई है। माशाल्लाह पढ़ा रही है बच्चों, पंजवी क्लास से पढ़ती ट्यूशन भी पढ़ती पई है। सिर्फ कोशिश पढ़ाई ने कल नू बच्चे बड़े हुए याद रखेंगे साडी मां ने मेहनत मजदूरी करके सानू पालिया सानू पढ़ाया लिखाया। मैं बस कहनी आपका हक हलाल दा बच्चों नू खवावा किसी दी मुहताज ना हो। माशाल्लाह वो तो आपकी बात बाजी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इसलिए पूछ रही हूँ, मैं आपको अपना भी थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ। हम लोग ना हकदारों को हमेशा ढूंढते हैं, लेकिन अपने इलाके में किसी लेडी को काम करते नहीं देखा था। इस इलाके में आए हैं तो इनको काम करने के लिए करते हुए देखा है। अगर खुदा तला कोई भीख नहीं होगी, खुदा तला की तरफ से कोई वसीला हो, हम करना चाहें तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें और इनकी रोटी पूरी कर सके? मैं बस जी कोशिश करिए नहीं, इंशाल्लाह आप चार पैसे इकट्ठे करके आप भी कोई रेड़ी लानी है चावल छोलियां दी। रेड़ी लगाते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? नहीं बाजी शर्म नहीं, मेहनत का दी बाजी शर्म। मेहनत का दी शर्म, माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत मैं कोशिश हैगी है बच्चे नु भी आपके घर के सामने या किसी रोड ते या किसी स्कूल दे घर के आसपास या इनके स्कूल के आसपास। हां जी जिवें बगदाद यूनिवर्सिटी स्कूल हो गया। हाँ जी इसे चावल छोलों की रेडी लाने कोशिश करती पई हूं। हालात ओहो जे दुनियादारी दे लोकां नूं पता चले भी बच्चे दी मां हैगी आ, मैनूं कोई तंग ना करे ज्यादा। इसे वजह करके बच्चे नाल रखदी हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह ताला
इसको एक दिन उम्र कितनी होगी बाजी? मेरी उम्र भी थोड़े तरह ही है, 22-23 साल होगी उम्र। अच्छा, मेरे तो इससे ज्यादा है। चले भाई, इतनी ही होगी बाजी की, अभी इतनी उम्र भी नहीं है। इनके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि ये सारी जिंदगी याद रखें। कोई मसला नहीं। हाँ, तो अबू जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाजी के पास आ गए हैं। ये बाजी के लिए माशाल्लाह रेडी, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी, कभी किसी बाजी ने हमसे ऐसे स्टॉल लगाने की ऐसे ख्वाहिश नहीं की है, आज इन्होंने की है। तो हमने सोचा कि ये ख्वाहिश इनकी ज़रूर पूरी करनी चाहिए। तो ये आ गया, ये एक प्लास्टिक की बाल्टी आ गई। अबाजी मैं आपको देती आऊँगी, आप रखती आएँ। तो ओहो, ये हाँ जी, तो माशाल्लाह अबू जी ये देखिए सब कुछ सेट हो चुका है, यहाँ से अब इजीली काम स्टार्ट हो गया। तो अबू जी ये देखिए माशाल्लाह सारा सामान आ चुका है, ये पतीले हैं और ये अभी फिलहाल खाली हैं। तो बाजी को सामान देते हैं कि वो पकाएं और हम वापसी पे आके देखेंगे कि बाजी ने कैसे तैयार किया हुआ है। तो अबू जी ये देखिए कि बाजी ने तैयार भी कर लिया है और माशाल्लाह धड़ाधड़ बिक्री भी हो गई है ना बाजी? सही हो रही है, काम सही चल रहा है? अच्छा, सही सही। अभी आप खुश हैं? हाँ जी, बाजी खुश है। ये कितने की प्लेट है बाजी? 50 रुपए। माशाल्लाह 50 रुपए की। अच्छा हाँ जी, रायता भी डालें? सही सही, जबरदस्त किस्म के। अबू जी देखिए तो सही, जरा कितने अच्छे बनाए हैं माशाल्लाह। ये 50 रुपए की 100 रुपये ली है बाजी। थोड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उत्थे तंग होंदी सी, इस वजह मेरा सामने घर आ गली है, इधर बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, इधर भी गली है जी। अच्छा, जी जी, हाँ जी। और बिक्री भी, और यहाँ पे बहुत सारी राशि भी जमा हो चुका है, क्योंकि नया नया काम है ना इस बस्ती में। और कोई ऐसे बेच रहा था चंद चावल? नहीं बाजी को नहीं। अब पहले पहले हाँ, तो इंशाल्लाह अच्छा काम चलेगा बाजी का। तो अबू जी ये माशाल्लाह ये बाजी के लिए गिफ्ट है, साथ साथ में ये सूट है और ये एक और सूट है, ये एक और सूट है। किस्मत अबू जी, पैकेट खोले ना, सारे बाजी के हिसाब से ही सूट निकले हैं। और ये शूज है बहुत प्यारे, तो शूज मैं शॉपर में रखती हूँ, ये नीचे रखेंगे। और ये एक और सूट, और उसके साथ ही ये मटेरियल सारा हमने पहली बार पकाने के लिए, ताकि आज का इनका दिन अच्छा गुजर जाए, दिया। और उसके अलावा, क्योंकि अबू जी ये नया जब काम बंदा स्टार्ट कर रहा होता है ना, उसको थोड़ी सी और सपोर्ट चाहिए होती है, तो ये 4-5 दिन का बाजी मटेरियल ले लेंगी। इससे अच्छा हो जाएगा कि बाजी का ना काम कुछ दिन के लिए सही चलेगा, आगे खुद धक्का लगाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है ना बाजी, चला लेंगी ना? हाँ जी इंशाल्लाह। हाँ जी, चलो ठीक है, आप खुश रहें इंशाल्लाह। मैं 1 महीने बाद देखूंगी आप कैसा काम कर रही हैं। आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करते हैं कौसर बीबी को। और ये बाजी का काम यहाँ पे हमने चौक में करवाया, 3 गलियाँ जाती हैं यहाँ पे, और घर भी साथ है, बच्चों को भी देख लेंगी और साथ ही स्कूल भी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।